अगर आप अपने बैंक अकाउंट से चेक के थ्रू पैसा निकालना चाहते हैं या फिर किसी को आप चेक से पैसा देना चाहते हैं तो कैसे फिल करेंगे, कैसे भरेंगे, या फिर अगर आपको एक कैंसिल चेक की ज़रूरत है तो कैंसिल चेक कैसे बनाया जाता है, तो आज के इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप अपने बैंक अकाउंट से खुद ही पैसा निकालना चाहते हैं चेक के थ्रू, तो सबसे पहले आप यहाँ पे डेट भरेंगे। यहाँ पे आप जो भी डेट भरेंगे उससे अगले 3 मंथ तक ये चेक वैलिड रहेगा। जैसे कि आज डेट है 8 जून 2021, तो 8 जून 2021 से अगले 3 मंथ तक ये चेक वैलिड रहेगा। उसके बाद ऑटोमेटिक ये चेक एक्सपायर हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे सेल्फ लिखेंगे। आप इस चेकबुक को हिंदी या फिर इंग्लिश किसी भी भाषा में भर सकते हैं, और इस तरीके से बाकी के एरिया में आप इस तरीके से क्रॉस कर देंगे ताकि मिसयूज ना किया जाए। उसके बाद यहाँ पे रुपए लिखा हुआ है, तो आप अपने चेकबुक से अपने अकाउंट से कितना पैसा निकालना चाहते हैं वो अमाउंट आप यहाँ पे लिखेंगे। या उसके बाद बाकी के एरिया में इस तरीके से आप कर देंगे ताकि कोई भी मिसयूज ना हो। यहाँ पे आप वही अमाउंट लिखेंगे अंकों में। अब यहाँ पे ऐसे बड़ा सा लाइन खींच देंगे और इस तरीके से कर दें ताकि कोई भी मिसयूज ना कर पाए। यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर जो आपका यहाँ पे नाम लिखा हुआ है उसके ऊपर करना है। अगर आप नीचे सिग्नेचर करते हैं तो वॉलेट नहीं होगा, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सिग्नेचर करनी है। उसके बाद आपको 2 सिग्नेचर पीछे के साइड भी कर देना है जिससे बैंक वाले कंफर्म कर पाए कि आपका सिग्नेचर सही है। यहाँ पे नीचे के साइड ये जो नंबर होता है वो चेक नंबर होता है, और यहाँ पे ये जो नंबर होता है एमसीआर नंबर होता है, एमसीआर कोड होता है। एमसीआर कोड क्या होता है, आपके पासबुक में एक एमसीआर कोड का ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ मिलता है, जो कि ये नंबर होता है एमसीआर कोड, और वही एमसीआर कोड आपके चेकबुक में भी होता है। मोस्टली काफी बैंकों में अकाउंट नंबर ही होता है या फिर आरबीआई द्वारा ये नंबर होता है, और ये जो लास्ट का नंबर होता है ये ट्रांजेक्शन नंबर होता है। तो इस तरीके से अगर आप अपने ही अकाउंट से चेक के थ्रू पैसा निकालना चाहते हैं तो इस तरीके से आप फिल करेंगे। आप यहाँ पे सेल्फ लिखेंगे और अमाउंट लिखेंगे, अंक में अमाउंट लिखेंगे, और यहाँ पे आप सिग्नेचर करेंगे, पीछे के साइड 2 सिग्नेचर करेंगे। अगर आप किसी को चेक देना चाहते हैं, पैसा देना चाहते हैं चेक के थ्रू, तो यहाँ पे आप सेल्फ की जगह सिंपल उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे। जैसे कि उस व्यक्ति का नाम है राकेश, तो आप यहाँ पे सिंपल राकेश लिखेंगे। मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। जितना अमाउंट देना चाहते हैं वो अमाउंट आप यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद वो अमाउंट आप अंक में यहाँ लिखेंगे, और सिंपल आप यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पीछे के साइड उसके बाद आपको पीछे के साइड भी 2 सिग्नेचर कर देना है जिससे बैंक वाले आसानी से आपका सिग्नेचर कन्फर्म कर पाए। अगर आप किसी व्यक्ति को चेक दे रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो जो व्यक्ति है वो अपने अकाउंट में ही पैसा को क्रेडिट करे, कैश ना ले पाए, तो सिंपल यहाँ पे आपको 2 ऐसे लाइन खींचना है और अकाउंट लिख देना है। तो जो भी व्यक्ति बैंक ब्रांच में जाएगा वो पैसा कैश नहीं करा पाएगा, वो उसके अकाउंट में ही क्रेडिट कर दिया जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे उसका अकाउंट नंबर पीछे के साइड लिख देंगे जिससे कंफर्म हो जाएगा कि उस व्यक्ति के ही अकाउंट में पैसा क्रेडिट करना है। अगर आप कैंसिल चेक बनाना चाहते हैं तो ये सब आपको कुछ भी फिल करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप बीच में ऐसे एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पे लिख देंगे कैंसिल, और सिंपल आप इस कैंसिल चेक को कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे भी आपको ज़रूरत पड़ता है। सिंपल आप यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे और कैंसिल लिखेंगे, तो यहाँ पे ये चेक कैंसिल हो जाएगा और आप इसका कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी डिटेल आपको कैंसिल वाले चेक में फिल करने की ज़रूरत नहीं होती है। ना ही सिग्नेचर, ना ही डेट, ना ही आपको और डिटेल भरनी होती है। सिंपल आप बीच में लाइन खींचेंगे और कैंसिल लिखेंगे।